वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट रवा मसाला डोसा। रवा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 से 1.5 कटोरी रवा, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा और इसे हम जार में बारीक पीस लेंगे। हमने रवा को बारीक पीस लिया है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी दही और उसे हम मिला लेंगे। दही मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, एकदम लम्स फ्री रहना चाहिए। तो आप 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और नमक डाल के इसको मिलाएंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक हम रेस्ट करने देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, हम आलू का मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम एक पैन में तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच चना दाल और 1/2 चम्मच उड़द दाल और इसे हम 4-5 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता, 1 लंबा कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची और इसे भी हम थोड़ा पका लेंगे। प्याज पकने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और इसे भी हम चला लेंगे। हल्दी पकने के बाद इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू और आलू को हम मसाले के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। धनिया डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू का मसाला तैयार होने के बाद हम बनाएंगे नारियल की चटनी। इसके लिए हम एक पैन में लेंगे 2 हरी मिर्ची, 1 लहसुन की कली, अदरक और कड़ी पत्ता और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने से चटनी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। इसे हम एक जार में निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच भुने हुए सींग दाने, हरा धनिया, 1/2 चम्मच नमक और नारियल। इसे हमने बारीक काट लिया है। इसे हम बिना पानी डाले हुए एक बार पीस लेंगे। पीसने के बाद इसमें हम डालेंगे लगभग 1/2 कटोरी पानी और इसे भी हम वापस पीस लेंगे। चटनी पीस चुकी है, अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे, जिसके लिए हमने पैन में 1 चम्मच तेल लिया है। उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच राई, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच उड़द की दाल, 1/2 चम्मच चना दाल, 1 हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता और इसे हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। तड़का भूनने के बाद इसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो अब हमारी नारियल की चटनी भी बनके तैयार हो गई। अब डोसा बनाने के लिए हम डोसा तवा को गरम कर लेंगे और उस पर लगा लेंगे तेल। तेल लगाने के बाद हम 1.5 चम्मच डोसा का बैटर डालेंगे और उसे गोल गोल घुमाते हुए फैलाते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि
कि आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, बीच बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, वरना आपका डोसा अच्छे से नहीं बनेगा। अब इसे मीडियम फ्लेम पे ही हम पकने देंगे। डोसा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए डोसा अच्छे से निकल रहा है। अब हम डोसे को निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा इंस्टेंट रवा डोसा, नारियल की चटनी और आलू का मसाला खाने के लिए बिल्कुल तैयार है।